चलिए हमने अभी आ, लिक्विड अभी हमने यहाँ पे लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की है जैसे कि वेपर प्रेशर इवेपरेशन बॉइलिंग पॉइंट वोलाटाइल लिक्विड नॉन वोलाटाइल लिक्विड तो अकॉर्डिंग टू दो प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं कि लिक्विड दो तरह का हो सकता है वोलाटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड तो उसी बेसिस पर हमने लिक्विड सोल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड सोलूशन एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड प्लस वोलाटाइल लिक्विड का सोलूशन तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वोलाटाइल लिक्विड और वोलाटाइल लिक्विड का सोलूशन तो वोलाटाइल लिक्विड और वोलाटाइल लिक्विड के सोल्यूशन को जैसे हम स्टडी करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राउल्स लॉ राउल्स लॉ इज सेम है ऑलमोस्ट सेम एज़ हैंनरीज लॉ तो हैंनरी लॉ में जैसे सब कुछ गैस और लिक्विड के लिए था वैसे ही यहाँ पर सब कुछ लिक्विड और लिक्विड के लिए है ये रिलेशन देखिए काफ़ी कुछ वही है हैनरी लॉ में भी वहाँ पर पार्शल प्रेशर था यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर है बस ओनली डिफरेंस है कि वहाँ पर प्रोपोर्शनालिटी साइन जब हमने हटाया था तो एक कांस्टेंट लगा दिया था केएच बट यहाँ पर हमने दूसरा कांस्टेंट लगाया है पी नॉट ठीक है चलिए अब हम दोनों को एक बार ध्यान से देखते हैं तो पहले राउल्स लॉ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन

कुछ हम लोग यहाँ पर रिलेशन वगैरह डेराइव करेंगे चलिए सबसे पहले हमने लिया लेट यहाँ पर हमने एक लिक्विड सल्यूशन लिया हुआ है उस लिक्विड सोल्यूशन में हमने दो लिक्विड लिए थे जिनको मिक्स करके हमने बनाया पहला है लिक्विड ए दूसरा है लिक्विड बी हमने दो लिक्विड्स को मिक्स करके यहाँ पर लिक्विड सल्यूशन बनाया था अब यहाँ पर जो लिक्विड ए है लेट इसका मास समथिंग आपको दिया हुआ है W1 वन ग्राम और इसका मास दिया हुआ है W2 टू ग्राम ठीक है इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है समथिंग एम वन और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है एम टू और इसके मोल्स दिए हुए हैं स्मॉल एन और इसके मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पर कैपिटल एन या हम इसको भी एन वन एन टू ऐसे भी लिख सकते थे ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हमने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया और उस एक्स ए की वैल्यू क्या होगी स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एंड प्लस कैपिटल एन ऐसे ही यहाँ पर लिक्विड बी जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एंड प्लस कैपिटल एन और हम जानते हैं कि अगर एक लिक्विड मिक्सचर में दो कंपोनेंट है तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होगा वन के इक्विवेलेंट होगा ठीक है अब हम यहाँ पे राउंडस लॉ अप्लाई कर रहे हैं इस लिक्विड का लेट पार्शियल प्रेशर ए था तो पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड ए इज इक्व टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी होगा ए होगा ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड बी निकाल सकते हैं दैट इज़ वॉट पी बी नॉट एक्स बी ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ रिस्पेक्टिव लिक्विड्स ठीक है इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप इसको पी टी भी लिख सकते हैं तो पी का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू डाल्ट लॉ सम ऑफ दी पार्शल प्रेशर ऑफ़ ईच एंड एवरी कंपोनेंट पार्शल प्रेशर तो टोटल प्रेशर इज वॉट पार्शल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड ए प्लस पार्शल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड बी होगा हम इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख सकते हैं यहाँ पर तो ये यह यहाँ पर क्या बनेगा रिलेशन हमारे पास पी टी इज इक्व टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी ठीक है और हम जानते हैं कि एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स बी लिख सकते हैं तो हम इसी रिलेशन को एक्स बी के टर्म्स में भी बना सकते हैं तो कैसे देखिए इसका यूज़ आप क्वेश्चन में करोगे जो मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ हम एक्स ए की जगह पर क्या लिख ले रहे हैं वहाँ पर वन माइनस एक्स ऑफ बी प्लस पी बी नॉट एक्स पी बी नॉट एक्स बी ठीक है अब यहाँ से एक्स बी का टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लो बाकी सारे टर्म एक तरफ तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट आप इसको भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये रिलेशन को भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं दिस इज योर पी टी और दूसरा आप एक रिलेशन ये भी यूज़ कर सकते थे पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस बी बी नॉट एक्स पी उसके अलावा हमारे पास ये सारे रिलेशंस भी हैं जिनको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे आपको क्वेश्चन में किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी और हम इसको भी यूज करेंगे आपको इसकी भी इसको भी याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ये हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको नोट कर लेने चाहिए ठीक तो ये सब क्या था वेन लिक्विड वेपर था उसका मोल फ्रैक्शन ये सब लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एक्स बी इज वॉट लिक्विड स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एन बी ठीक है अब हमें पता है कि उस कंटेनर uh, कोई भी एक कंटेनर अगर हम ले लें तो उस कंटेनर में क्या होगा वहाँ पर लिक्विड फिल होगा और उस लिक्विड की वहाँ पर क्या होंगी वेपर्स भी होंगी तो जैसे हमने आ, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन देखा था एक्स ए और एक्स बी था ऐसे ही उनके वेपर स्टेट में भी तो मोल फ्रैक्शन होंगे यहां पे उनको हमने नेम दिया है वाई ए एन वाई बी क्लियर है तो अब यहां पे नेक्स्ट आप डाल दीजिए वेपर मिक्सचर वेपर मिक्सचर अब हम वेपर मिक्सचर को भी देखेंगे तो वेपर मिक्सचर में ए के मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है वाई ए से ऐसे ही हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को रिप्रेजेंट किया है वाई बी से अब ये क्या है गैसियस मिक्सचर है तो गैसियस मिक्सचर के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे हम डाल्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डाल्ट लॉ याद होगा आपको डाल्ट लॉ क्या होता था पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस क्या होता था मोल फ्रैक्शन इन टू टोटल प्रेशर तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे गैस की जगह पे गैसियस लिक्विड की वेपर है तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उनके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा ऐसे ही हम यहाँ से पी भी निकाल सकते हैं वो क्या आएगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्विवेलेंट आएगा ठीक है भाई तो ये आप एक रिलेशन याद रखिए तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है दोनों लिक्विड का वो उनके मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बराबर आएगा ठीक है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी एक्स बी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन वाई बी हम इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग ठीक है और उसके अलावा ये वाला तो आपको याद रखना ही है ठीक है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो वाई ए वाई बी का वैल्यू निकाल सकते थे और उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो इसके अलावा हम एक और रिलेशन बनाते हैं इनका जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू वन होता है हाँ ध्यान रखिएगा जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वस टू वन होता है इन द सेम फैशन वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू भी वन होगा ठीक है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्व टू वन होता है तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू आप राहुल्स लॉ से उठा कर यहाँ पर रख दीजिए आपने ऊपर निकाला हुआ होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप एक्स ए का वैल्यू भी निकाल कर रख सकते हैं तो एक्स ए का वैल्यू रखेंगे तो वो कितना आएगा वाई ए इंटू पीटी बाई पी ए नॉट वाई ए इंटू पी टी बाई पी ए नॉट यहां पर उठा के रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा वाई ए पी टी बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी पी टी बाई पीबी नॉट ठीक है दैट इज इक्वल टू वन तो हम इसको और सिम्प्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज़ वन अपॉन पी टी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी वी नॉट हम ऐसा लिख सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक रिलेशन पी टी वाई ए पी ए नॉट और वाई बी पी बी नॉट के बीच में तो इन सारे रिलेशन्स को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्लियर है चलिए इसके बाद इसी केस में एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं इन केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड इमिसिबल लिक्विड्स इन केस ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होंगे अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है मतलब ये हुआ कि वो दोनों उन दोनों के मोल्स जो होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो अगर उन दोनों के मोल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्स ए और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में कितना होगा दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो वन होंगे लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है दिस इज इन केस ऑफ लिक्विड मिक्सचर लेकिन वहीं पर अगर आप एक इमिसिबल uh, लिक्विड को इनकी वेपर्स को देखते हैं क्या वेपर्स भी इमिसिबल होती हैं नहीं भाई वेपर्स हर केस में मिसिबल होंगी वो आपस में डिफ्यूज होंगी ही होंगी तो उनके जो मोल uh, फ्रैक्शन होंगे वो अभी भी एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे सिर्फ लिक्विड्स के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे सिर्फ लिक्विड के मोल फ्रैक्शन और बाकी किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब देखते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के लिए आपके सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो ऑलमोस्ट मॉडिफाई हो जाएंगे जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा ठीक है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए होगा वो उनके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड बी होगा वो उनके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर डेराइव कर सकते हो उसके अलावा अभी हम लोगों ने ऊपर डेराइव किया था कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू क्या होता था पी ए नॉट एक्स ए बाई पी बी नॉट एक्स बी ये भी आप यहाँ से डेराइव कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से ये सब इमिसिबल लिक्विड्स के लिए आपके पास ये रिलेशंस भी आ जाएंगे ठीक है तो इन सारे रिलेशंस को यूज़ करके हमें क्या करना है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है वहां पर तो अभी हम लोग आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा और उन असाइनमेंट को आप सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह लीजिए और उनको आप घर पे सॉल्व करिए और फिर वो हम लोग बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं ठीक है एक बार जरा मैं ऊपर से वापस सब कुछ आपको विजिबल कर देता हूँ सो दैट आप इनको ईजीली नोट डाउन कर लें शुरू किया था हमने यहाँ से दो लिक्विड लिए थे ए और बी उनके मोलिकुलर मास थे फिर हमने उनके मोल फ्रैक्शन निकाले फिर उनका हमने राउल्स लॉ लगा के पार्शियल प्रेशर निकाला फिर हमने टोटल प्रेशर लिया ठीक है ये सब आप नोट कर लीजिए फिर यही सारा रिलेशन हमने किसके लिए लिखा है वेपर मिक्सचर के लिए लिखा हुआ है तो वेपर मिक्सचर के, के केस में मोल फ्रैक्शन वाई ये वाई हो जाता है तो आप यही सारा रिलेशन कैसे डराइव करेंगे ठीक है एक बार फटाफट ये सब एक बार देख डालिए आप ये रिलेशन्स आपको याद रखने हैं नोट कर लीजिए इमिसिबल लिक्विड्स को ले लेते हैं ये हमने एक बार सारा इमिसिबल लिक्विड आपके सामने एक बार में रख दिया एक बार मैं आपको सारा वेपर स्टेट दिखा देता हूँ फिर से ये वेपर मिक्सचर के केस में था ये सब आपको रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस में यूज़ करने को आता है ये भी ये डेराइव जो हमने किया रिलेशन ये आपको बहुत यूज़ आएगा ठीक है चलिए ये हमारे सारे मैथमेटिकल रिलेशन थे राउल्स लॉ के और लिक्विड प्लस लिक्विड सोलूशन के लिए ठीक है अब हम जब एक लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर आ, दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है या तो वो सोल्यूशन आइडियल बनेगा या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोलूशन चलिए तो नेक्स्ट हम लोग इसमें आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन स्टडी करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं सर्च सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ठीक है सच सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ड्स लॉ एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन तो इसमें आप सिंपल इसको पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छा रहेगा सच सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ठीक है सच सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ तो राउट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ़ ए इज़ इक्वस टू लिक्विड ए इज इक्वस टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड बी क्या आएगा दैट इज़ पी बी नॉट एक्स बी और जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी के इक्विवेलेंट आएगा यही सब राउल्स लॉ है तो ये सारे इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल है इसका मतलब राउल्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा condition. Condition है दिस इज वन ऑफ द कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ही आपको वहां पर याद रखनी होगी तो नेक्स्ट कंडीशन है आइडियल सोलूशन होने की डेल्टा एच ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज ऑलवेज जीरो यानी जब आप लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे तो नाइदर हीट कंज्यूम नॉर हीट रिलीज ठीक है हीट में कोई चेंज नहीं होगा उसके बाद क्या होता है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वस टू जीरो यानी उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब अगर हमने फाइव लीटर लिक्विड ए फाइव लीटर लिक्विड बी को मिक्स करेंगे तो जो नया लिक्विड मिक्सचर बनेगा वो भी क्या होगा फाइव लीटर यानी दोनों लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के इंटर एटॉमिक स्पेस में एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे जिससे वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा ठीक है उसके बाद एंड ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यानी जो चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी होगा वो क्या होगा लेस देन जीरो आएगा ठीक है उसके बाद ये प्रोसेस कैसा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसकी एंट्रॉपी क्या होगी एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी यानी वो ग्रेटर देन जीरो आएगा देखिए ये दो प्रॉपर्टी जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा ये हर लिक्विड सोल्यूशन के लिए होती है कोई भी लिक्विड सोल्यूशन अगर बन रहा है तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टीन्यूस होगा और उसकी एंट्रोपी वहाँ पे क्या होगी चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज करने वाली है तो ये दो कंडीशन तो हर लिक्विड सोल्यूशन में आपको बार बार हम लिखेंगे और यही सेम ही लिखेंगे ये आपकी वेरी नहीं करेगी बाकी सब वेरी करता है ठीक है अब इसके बाद ये तो हुआ लिक्विड सोल्यूशन के कंडीशन अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी आपको समझना पड़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देखिए यहाँ पर तीन तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं एक तो लिक्विड ए का लिक्विड ए के साथ में लिक्विड बी का लिक्विड बी के साथ में ठीक है और तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है लिक्विड ए का लिक्विड बी के साथ में तो ये तीन तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं और ये सारे फोर्सेज इन केस ऑफ लिक्विड सोल्यूशन कैसे होते हैं एग्जैक्टली exactly कह सकते हैं या ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर होंगे ऑलमोस्ट कैसे होंगे एग्जैक्टली exactly सिमिलर होंगे ठीक है तो अब जो आइडियल सोल्यूशन इसके बाद आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली जो आइडियल सोल्यूशन है वो कौन बनाते हैं वो बनाते हैं सेम होमोलोगस ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा सेम होमोलोगस हो सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर मोलिकुलर मास हो सकता है उनका मैंने ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट सेम होगा सिमिलर मतलब दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर तो एक ही फैमिली के मेम्बर होंगे सिमिलर मोलिकुलर मास हो सकता है ठीक है ये सारी प्रॉपर्टीज अगर रहती हैं और उसमें ये जो पार्टिकल ए का पार्टिकल ए के साथ इंट्रेक्शन है वही सेम इंटरेक्शन पार्टिकल ए का बी के साथ भी होगा ये सारी अगर कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है आइडियल सोल्यूशन है तो आइडियल सोल्यूशन के हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को पहला एग्जाम्पल मैंने लिया बेंजीन और टॉलविन बेंजीन और टॉलविन दोनों देखिए सेम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है मॉलिकुलर वेट में नॉर्मल हेक्जेन एंड नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्जेन एंड नॉर्मल हेप्टेन ठीक है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बिल्कुल देखिए जो मैं बोलूंगा एकदम एग्जैक्टली सिमिलर जैसे होंगे क्लोरोबेंजीन सी सिक्स एच फाइव सी एल ब्रोमोबेंजीन सी सिक्स एच फाइव बी आर दोनों में ऑलमोस्ट सेम टाइप के बॉन्ड है सेम टाइप का ऑलमोस्ट मॉलिकुलर वेट है सेम होमोलोगस से बिलोंग करते हैं इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड ये सब क्या हो गया आपके ये सब के सब आपके सेम होमोलोगस हैं तो ये मैंने आपको जो भी दिखाया है दीज आर कंडीशंस फॉर आइडियल सोलूशन तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए आइडियल आर द ओबेज लॉ एट ऑल प्रेशर प्रेशम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन और ये सारी कंडीशन जब मीट करती हैं तो ऐसे सोलूशन को हम लोग आइडियल सोलूशन बोलते हैं ठीक है मैं पे एक बार उनको वापस ऊपर नीचे करता हूँ आप इनके स्नैपशॉट ले लीजिए फर्स्ट इस पेज का स्नैपशॉट लीजिए इसके बाद रिमेनिंग वाले सेगमेंट का भी स्नैपशॉट ले लीजिए ठीक है चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो अब इसका इसको ग्राफिकली भी बना लेते हैं तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा भाई लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन के केस में आइडियल सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएंगे तो आइडियल के केस में यहाँ मैंने दो लिक्विड्स लिए हैं नीचे ये मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है और ये यहाँ पे वेपर प्रेशर को शो कर रहा है ये हमने लिक्विड ए के लिए लिया हुआ है ये हमने लिक्विड बी के लिए लिया है तो देखिए इनिशियली क्या होने वाला है इनिशियली अगर आप कंडीशन ध्यान से देखेंगे तो इनिशियली लिक्विड यहाँ पर इस कंडीशन पर यहाँ पर सिर्फ लिक्विड ए होगा लिक्विड बी ज़ीरो होगा तो लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएंगे और लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम यानी वन होंगे ऐसे ही सेम यहाँ पर लिक्विड ए इस वक्त ज़ीरो हो जाएगा और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएंगे ठीक है और इस कंडीशन पर अगर आप राउल्स लॉ देखेंगे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू दी मोल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए लेट हमने लिक्विड ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर पी नॉट ए से इंडिकेट कर दिया ऐसे ही लिक्विड बी का भी वेपर प्रेशर आप इंडिकेट कर सकते हो दैट इज पी बी नॉट ठीक है अब हम राउल्ड लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पर क्या होगा ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेंगे और बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे ठीक है तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज करेगा उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा ठीक है भाई बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ क्या इंक्रीज करेगा उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर आपको ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा ठीक है ऐसे ही यहाँ पर आप इस लिक्विड के लिए ग्राफ बनाओगे ये भी कैसा आएगा स्टेट लाइन ये स्टेट लाइन है ये देख देखने में नहीं लग रहा लेकिन हाँ ये स्टेट लाइन ही है ठीक है और तीसरा ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर हम मीट करते हैं तो ये पॉइंट हमें क्या देता है ये हमें टोटल प्रेशर दे रहा होता है ठीक है ये पॉइंट हमें क्या देता है टोटल प्रेशर देता है क्लियर ए चीज़ और ये सब क्या शो कर रहा है ये सब हमें क्या मिल रहा है पार्शियल प्रेशर मिल रहा है ये सब हमें क्या मिल रहा है पार्शियल प्रेशर ये किसका पार्शियल प्रेशर होगा और हाँ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इसमें कि अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट देखेंगे तो ये टोटल प्रेशर ए बी चलिए तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ होगा फॉर आइडियल सोलूशन ये हमने आइडियल सोलूशन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है ठीक है चलिए इसको भी नोट कर लीजिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डेविएशन से नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव डेविएशन तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा है नॉन आइडियल सोल्यूशन तो नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पिक करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉजिटिवली डेविएटेड निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है भाई तो ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन से शुरू करते हैं तो पहले डेफिनेशन तो देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं सर्च सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे विच डू नॉट ओबे वॉट राउल्स लॉ जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन आइडियल सोलूशन अब पॉजिटिवली डेविएटेड सोलूशंस की कंडीशन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है कि uh, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते है. तो राउल्स लॉ से ये क्या करेंगे पॉजिटिवली डेविएट हो जाएंगे पॉजिटिवली डेविएशन को हम कैसे शो करते हैं लाइक दैट ठीक है उसके बाद आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्स दूस इसी में ही हम टोटल प्रेशर को भी ऐसे दिखा सकते थे कि इट इज वॉट पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी ये हमारे पास पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन हो गई फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन है डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब सल्यूशन कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा तीसरा होगा डेल्टा वी मिक्सचर इज ग्रेटर देन ज़ीरो यानी हम वॉल्यूम क्या करेगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ये सब कंडीशंस है फिर उसके बाद मैंने जो फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन बता रहा हूँ वो वही रहेगी जो पहले थी यानी प्रोसेस स्पॉन्टीन्यूस रहेगा और इस्पॉन्टीनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी भी चेंज इन एंट्रोपी भी क्या आता है पॉजिटिव आता है ठीक है इसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन यहाँ पर जो रहता है कि जो ए और ए पार्टिकल का इंटरेक्शन है और बी और बी पार्टिकल का इंट्रैक्शन है और तीसरा ए बी पार्टिकल का इंट्रैक्शन है तो यहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शन विन करता है ए पार्टिकल का इंट्रैक्शन ए बी पार्टिकल के इंट्रैक्शन से ग्रेटर रहता है ए ए पार्टिकल का इंटरेक्शन ए बी पार्टिकल के इंट्रैक्शन से ग्रेटर रहता है ठीक है चलिए इसके बाद हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स की बात करेंगे बहुत सारे एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल देखिए ये पॉजिटिवली डेविटेड जो सोलूशन होते हैं इन दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा यानी दोनों एग्जैक्टली अपोजिट काइंड ऑफ सोल्यूशन होंगे और इनमें किसी भी तरह का हो सकता आपस में इंटरेक्शन अच्छा रहेगा लेकिन इंडिविजुअल मतलब आपस में मतलब ए और बी का इंटरेक्शन बहुत पुअर होगा लेकिन उनका ए का ए से और बी का बी से इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्गजेन साइक्लोहेक्जेन ठीक है अब साइक्लो एक्जेन का साइक्लो एक्जेन में इंट्रैक्शन अच्छा होगा इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ में हाइडन बॉन्ड बना सकता है लेकिन इथाइल अल्कोहल और साइक्लो एक्जेन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ठीक है या होगा भी तो बहुत पुअर इंट्रेक्शन होगा तो ऐसे पेयर को हम बोलेंगे पॉजिटिवली डेविएटेड तो हम लोग ऐसे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि एसीटोन एसीटोन क्या होता है सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन होता है और इसको हमने किस में डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर और क्लोरोफॉम इनमें कोई रिलेशन ही नहीं बनने वाला है एसीटोन में ईथर डाल दीजिए एक कोई भी ईथर ले लीजिए और उसको एसीटोन में डाल दीजिए तो ये सारे क्या हैं ये सब हमारे पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस होंगे ठीक है अब इनको ग्राफिकली भी देखते हैं ग्राफिकली जब इनको बनाया जाता है तो ये कैसा आता है ग्राफिकली आप इनको पहले जैसा ही ग्राफ बना दीजिए ठीक है बस चेंज क्या होगा चेंज ये होगा कि जो इनका एक्चुअल ग्राफ है वो ये कलर्ड वाला ग्राफ है यानी ये अपने पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी ठीक है अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाएंगे तो इस तरह के सलूशंस को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सल्यूशंस इन तरह के सोल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सल्यूशन्स तो इसमें आपको ये सारे डेविएशन देखने को मिलेंगे ठीक है ये मैंने जो बनाया है ये पॉजिटिवली डिविटेड सोलूशन का ग्राफ होगा ये इस तरह से चेंज करेगा इसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा निगेटिवली डेविएटेड निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सल्यूशन तो निगेटिवली uh, डेविएटेड है तो इसका मतलब ये भी राउट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा लेकिन ये कैसे फॉलो करेगा किस तरह से जाएगा ये निगेटिवली जाएगा यानी यहाँ पर क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड ए इज लेसर देन पी ए नॉट एक्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ़ लिक्विड बी इज लेसर देन पी बी नॉट एक्स बी एंड टोटल प्रेशर इज लेसर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बनने जा रही है सेकेंड कंडीशन हमारी बनेगी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आ चुका है उसके बाद डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज लेस देन जीरो यानी एक्सोथर्मिक सोल्यूशन होगा थर्ड कंडीशन डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज लेस देन जीरो यानी लिक्विड वो मिक्सचर करें ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ठीक है और फोर्थ कंडीशन होता है हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन वही है जो हमेशा रहता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यहाँ तक कंडीशन बिल्कुल आपके लिए नोन है फिर जो सिक्स कंडीशन है वो है इंटरमोलिकुलर inter इंट्रेक्शन तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि तीन तरह के इंट्रेक्शन होते हैं ए ए बी बी ठीक है और तीसरा ए बी तो इस बार जो ए बी इंट्रैक्शन है वो ए ए और बी बी इंट्रैक्शन से ग्रेटर होगा ठीक है अब इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सबसे पहला एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को थोड़ा समझते हैं कि इनमें क्या होता है एसीटोन ऐसा रहता है हमारा ठीक है और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कैसा रहेगा सी सी एल थ्री तो ये सी सी एल थ्री है इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एग्जिस्ट करने लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ए और बी के बीच में आपको बहुत अच्छा इंट्रैक्शन दिख रहा होगा वहीं अगर हम ए का ए के साथ देखें नॉन पोलर सोल्यूशन है बी को देखें तो वो भी नॉन पोलर है तो ए और बी बी इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी ए बी इंट्रैक्शन तो इस तरह से आप एक नॉन आइडियल सोलूशन में निगेटिवली डेविएटेड का एग्जाम्पल ये वाला समझ सकते हो तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हम लोग बना सकते हैं जैसे कि वाटर प्लस एसटिक एसिड हो जाता है देखिए वाटर प्लस जिसमें भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड या किसी भी तरह का कोई बॉन्ड बन सकता है वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया कोई भी ऐसे जिसने भी आप अल्कोहल प्लस एसिड ले लीजिए जैसे कि सी एस थ्री ओ एच प्लस एसिटिक एसिड तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के यहां पर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं ठीक है भाई तो इन सब को अच्छे से समझ लीजिए ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन हो गए तो हमने दोनों तरह का सोल्यूशन देखा आइडियल सोलूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एक बार सबकी कंडीशंस अच्छे से नोट कर लीजिए आइडियल की भी और नॉन आइडियल की भी निगेटिवली डेविएटेड है ये ठीक है इसकी कंडीशंस अच्छे से नोट करिए ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ज़्यादा हम टाइम इस पर नहीं स्पेंड करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर देखिए एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं इनको अगर हम आसान से वर्ड्स में समझे तो ऐसा होता है कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स जैसे आपको पता है कि एक लिक्विड ए है उसका एक कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड बी उसका कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा जब दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ में उनको मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने पे वो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ए के इक्विवेलेंट होगा ना ही वो बी के इक्विवेलेंट होगा वो किसी और बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेगा और लिक्विड ए और लिक्विड बी के बॉइलिंग पॉइंट का अब वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया तो होता क्या है एजियोट्रोप्स को हम एजियोट्रोप्स को हम वाया फ्रैक्शनल uh, डिस्टिलेशन अलग नहीं कर सकते ठीक है एजियोट्रोप्स को हम वाया फ्रैक्शनल डिश्लेषण अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनके अब इंडिविजुअल कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं रह जाता जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिक्सचर का होता है तो इसको आसान से वर्ड्स में एक लाइन में आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स ठीक है अब आते हैं एजियोट्रोप्स भी दो तरह के होते हैं एजियोट्रोप्स भी दो तरीके के हो सकते हैं फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स देखिए इसको समझते हैं मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप क्या होता है और ये कब बनता है मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रोप के बारे में समझते हैं देखिए जब हम पॉजिटिव डेविएशन में होते हैं जब लिक्विड जब लिक्विड सोलूशन पॉजिटिवली डेविएटेड होता है तो उस केस में क्या होता है वेपर, इन, इन डेविएटेड सोलूशन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाने की वजह से क्या होगा इनके बॉयलिंग पॉइंट जो होंगे वो डिक्रीज कर जाते हैं किसके डिविटेड के पॉजिटिवलीयलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ठीक है इन पॉजिटिवलीपर प्रेशर इंक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज तो जो आपके पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशंस होते हैं जितने भी पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होते हैं वो सब क्या फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोड्रोप्स ठीक है तो आप बस यहां पर एक ही पॉइंट याद रखिए जो पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होते हैं दे कैन फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोड्रोप्स मतलब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से लोअर के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करने शुरू कर देते हैं इसके बाद दूसरा टाइप जो आता है इसमें वो क्या है दूसरा टाइप होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कहां पर ऑब्जर्व होता है When, uh, तो निगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है इंक्रीज कर जाता है तो ओवरऑल मिक्सचर जो होता है वो एक हायर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करना शुरू कर देता है तो उस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो ट्रोप्स तो ये हमने अभी जो सीखा है दैट इज़ योर एजियो मिक्सचर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हमें इतना नहीं कुछ इसमें डिटेल्स में आता है तो हम इन पर बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को फ्रैक्शनल से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिक्विड के अभी बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता ठीक है इसलिए हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते क्लियर है भाई चलिए तो अभी आपको मैं यहाँ पर एक शीट देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आप उस शीट को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद उसको हम लोग बाद में डिस्कस करें देखिए ये आपका असाइनमेंट है ब्रेन टीजर टू इसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेके नाइन आप इनका स्नैप ले लीजिए और इधर क्वेश्चन टेन से टेन टू नाइनटीन फटाफट इनके स्नैप ले लीजिए ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो आपने राउट्स लॉ और आइडियल नॉन आइडियल सोलूशन अभी लर्न किया है इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए इस असाइनमेंट को आपको नोट करना है फटाफट इसका स्नैपशॉट शॉट लीजिए या आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसके आंसर्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ इनके आंसर्स भी आप ये मैं आपको एक और यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से थर्ड पेज ऑफ असाइनमेंट है ये थर्ड पेज ऑफ असाइनमेंट इसको भी नोट कर लीजिए इसका स्नैपशॉट रख लीजिए और फिर लास्ट में इस पूरे का आंसर की इसका भी आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए तो ये आप